हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट ओलंपिक से बाहर हो गई है और उसके बाद कई सारी चर्चाएं चल रही हैं। कोई इसे साजिश बता रहा है तो कोई ये कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं कमी रही जिसके चलते वो गोल्ड मेडल से चूक गई। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैप्टन साहब, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर आप? विनेश फोगाट जो है हमारे हरियाणा की और देश की बेटी है, बहुत बहादुर बेटी है, जिसने दिल्ली की सड़कों पे इस जुल्मी सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था और विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जो वर्ल्ड चैम्पियन है, जो रेसलर की रही है, उनको शिकस्त दी और एक बार नहीं तीन तीन बाउट जीती हैं और फाइनल में पहुंच गई थी। और किसी षड्यंत्र के तहत, जिसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, उनकी एक छुपा हुआ हाथ है जो अभी समझ में नहीं आ रहा किसका हाथ है, किसी ना किसी ने षड्यंत्र रचा है कि उनको मात्र जो है 50 ग्राम की कमी से, यानी कि ये चिंता का विषय है कि जो उनके डॉक्टर थे, उनके डाइटिशियन थे, उनके कोचिज थे, वो क्या कर रहे थे, तो इसकी जांच होनी चाहिए और हमारे खेल मंत्री को तुरंत जो है रवाना हो जाना चाहिए यहाँ से। प्रधानमंत्री जी ने इसको संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत जो खेल मंत्री को जी को डायरेक्ट करें कि वो पेरिस जाएं और इस मामले की तहकात तय में जाएं और इस पर श्वेत पत्र जारी करें कि क्या उनको खाना खिलाया गया कि एकदम से 2.5 किलो वजन उनका बढ़ गया और उसके बाद उन्होंने कोशिश भी कम करने की। अगर उनके बाल अगर जो है जिस तरह हमारे लड़कों के बाल है, इतने बाल कर दिए होते तो उससे ही 50 ग्राम कम हो जाता। षड्यंत्र आपको क्यों लगता है, कौन लोग हो सकते हैं षड्यंत्र में शामिल? ये तो सब जांच का विषय है ना, लेकिन हमें लग रहा है ऐसा कि इन लोगों को हजम नहीं हो रहा, उस लोगों को, कि जो लड़की जो है इनके खिलाफ नारे लगाती थी सड़कों पे, और शर्मनाक बात है कह रहा है ये 74 लाख रुपए खर्च कर दिए उनका खेल मंत्री। इस तरह की बातें करना, बेहूदगी की बात करना, इस तरह का जो उन्होंने बात कही है उसकी कड़ी आलोचना करता हूं मैं। हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि भले ही विनेश ओलंपिक से बाहर हो गई लेकिन जब वो आएगी तो एक विजेता की तरह उसका सम्मान किया जाएगा, रजत पदक का जो सम्मान था वो उसे दिया जाएगा। हमें मेडल चाहिए, सिल्वर मेडल वो दें, पैसे की कोई कमी नहीं है विनेश फोगाट के पास। सम्मान आप देते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप हमें मेडल ला के दो जो मेडल जीती है वो। 50 किलो वजन था जब उसने वहाँ पर जो है कुश्ती जीती है और फाइनल में पहुँच चुकी थी। अगर आप उसको समझ लें कि वो हार भी गई है, सिल्वर मेडल तो हमारा वैसे ही बनता है, जॉइंट सिल्वर मेडल भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और अभी जो है वो जो कोर्ट है, जो खेलों का कोर्ट है, उसमें दायर करें। विनेश ने तो अब संन्यास ले लिया है, क्या करें, मजबूरी में जो है, जब व्यक्ति जब इतना आहत हो जाता है, जब इतना उसके साथ अगर इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जाएगा तो अभी तो ना जाने इससे कितने खिलाड़ियों का मनोबल खराब हुआ है, मनोबल नीचे हुआ है। आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि अगर विनेश फोगाट राजनीति में आती है तो वो उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। आप पार्टी का कुछ होता ही नहीं है, आप पार्टी का कुछ होता नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि अगर उनके पास संख्या बल पूरा होता तो विनेश को राज्यसभा भेज देते। वो तो अच्छी बात है, अगर उन्होंने ये बात कही है तो आप अभी भी तो खड़ा कर सकते हैं, क्या दिक्कत है खड़ा करने में। मुझे लगता नहीं है बीजेपी वाले उनके नाम के ऊपर जो अपोज करेंगे, कहाँ अपोज करेंगे, बल्कि बीजेपी वालों को ये ऑफर देना चाहिए विनेश फोगाट को, अगर सही मायने में अगर वो समझते हैं कि भाई उसे वो एक बहादुर बेटी है, इस देश की बेटी है, तो राज्यसभा में भेजें
और यूनानिमसली उसको बढ़ा दे। लेकिन महावीर फोगाट तो ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है या फिर वो ये कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा की बात कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक बात कर रहे हैं, वो एक तरह से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो साहब, मैं ज़्यादा कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्या बात हुड्डा साहब ने कही और क्या उनके ताऊ जी ने कही। अब ये तो विषय है कि मैं कहता हूँ यूनानिमसली एक प्रस्ताव पास करें, एक सेशन बुलाएं विधानसभा का 3 तारीख से पहले पहले, और ये कहें कि हम विनेश फोगाट को मुख्यमंत्री इतना जो है उदार दिल दिखा रहे हैं तो इसमें उदार दिल दिखाएं। कौन अपोज करेगा? कोई भी अपोज नहीं करेगा, करें ऐसा करके। बिल्कुल, तो ये थे कैप्टन अजय सिंह यादव जिनका कहना है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अगर सही मायने में भाजपा विनेश का सम्मान करना चाहती है तो वो एक प्रस्ताव लेकर आए और कांग्रेस उसका समर्थन करेगी और विनेश को राज्यसभा भेजने में मदद करेगी।